हेलो फ्रेंड, देखिए हमारे पास आज ज़ेब्रोनिक का सीसीटीवी वाईफाई कैमरा है, वाईफाई वाला ज़ेब्रोनिक स्मार्ट वाईफाई वाईफाई क्यूब इंडोर कैमरा है। ये इसका मॉडल नंबर है स्मार्ट कैम 100। ठीक है दोस्त, देखिए इसके अंदर आज हम इसके अनबॉक्सिंग करके और इसका जो है आपको मोबाइल पे सेटअप करके और लाइव व्यू बताएंगे कि ये कैसा कैमरा है, क्या क्या इसके अंदर फीचर हमें मिलते हैं और मोबाइल पे इसको किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए, ये रहा कैमरा ज़ेब्रोनिक स्मार्ट वाईफाई। ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, H.264 वीडियो कंप्रेशन है इसमें, एडवांस मोशन डिटेक्शन है, 2-way ऑडियो है इसमें, यानी हम इसमें कैमरे के ज़रिए बात भी कर सकते हैं और जो है ये साउंड भी रिकॉर्ड करता है। ठीक है दोस्तों, माइक्रो SD कार्ड 128 GB तक के सपोर्ट करता है और एंड्रॉयड iOS डिवाइस पे भी जो है ये चलेगा। ठीक है दोस्तों, उस पर भी काम करता है ये। आइए देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, बॉक्स के अंदर दिखाते हैं आप। ठीक है दोस्तों, यही है, देखिए ये रही इसकी केबल जिसकी लेंथ तकरीबन 3 फिट है, और ये रहा इसका मैनुअल। ठीक है, कैमरे की मैनुअल गाइड है, इसमें कुछ खास तो नहीं है। और ये रहा हमारा कैमरा, ये कैमरा है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कैमरा, ये है कैमरा, क्यूब कैमरा है ये। और इसमें देखिए ये रीसेट स्विच है इसका, ये, और ये स्पीकर लगा हुआ है, और ये यहाँ से इसमें पावर देते हैं इसको, पावर के लिए है, और मेमोरी कार्ड के लिए देखिए ये स्लॉट दिया हुआ है, ये कार्ड मेमोरी कार्ड के लिए यहाँ स्लॉट दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अप डाउन हो सकता है, ये इसमें इसका सीरियल नंबर वगैरह दिया हुआ है। और ये रहा इसमें कि दो जो है कील की हेल्प से या स्क्रू की हेल्प से हम इसको जो है दीवार पे या लकड़ी पे कहीं भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये डैशबोर्ड पे कहीं भी ऐसा भी रखा सकता है। और देखिए इसमें पावर केबल लगाने के लिए, हम कैमरे को इस तरीके से सरका के यहाँ पावर केबल, ये चार्जर की कोई सी भी केबल को हम यहाँ लगा सकते हैं। और दोस्तों देखिए, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि इसके साथ हमें एडाप्टर नहीं मिला है, तो एडाप्टर जो है हमें कोई भी मोबाइल वगैरह का एडाप्टर हम ले लेंगे। ये मोबाइल का एडाप्टर मैंने ले लिया और इसमें लगा के इसको डायरेक्ट हमें पावर देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं इसके मोबाइल के चार्जर में जो इस पर लगा चुका हूँ इसकी केबल को, इससे लंबी केबल नहीं आती है, इसमें 1.5 फिट की जो है 1.5 मीटर यानी 3 फिट की केबल आती है। देखिए हमारे कैमरे में पावर ऑन हो चुका है, देखिए कैमरा ऑन हो चुका है। लुक वाइज तो जो है कैमरा काफ़ी अच्छा है। अब इसके अंदर क्लियरिटी और देख लेते हैं, ऑडियो वीडियो की क्लियरिटी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कॉन्फ़िगर के लिए कह रहा कैमरा। आइए मोबाइल पे चलते हैं और मोबाइल पे देखते हैं कि ऐप को कहाँ से किस तरीके से डाउनलोड करते हैं और कैसे इसका सेटअप किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको हमें सेटअप करने के लिए आइए आइए दोस्तों, देखिए हम लोग मोबाइल के सबसे पहले प्ले स्टोर पर चलते हैं, सर्च करेंगे एप्लीकेशन का नाम ज़ेब होम। ज़ेब होम ऐप पे जाएंगे, ये देखिए ये वाला जो है इस ये वाला इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है, ये वाला ऐप को हमें इंस्टॉल करना है, ये हमने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसके देखिए मेरे पास ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, तो उसके मैं वाईफाई से आपको ऑनलाइन करके दिखाऊंगा कैमरे को। देखिए दोस्तों, ये कैमरे का ऐप हमारा डाउनलोड हो चुका है, हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एग्री, साइन अप के लिए यहाँ हमें ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी और आई एग्री पे टिक करना पड़ेगा। गेट वेरिफिकेशन कोड, यूज़र एग्रीमेंट आ गया। गेट वेरिफिकेशन कोड पे जिस तरीके से हम टिक करेंगे, जैसे ही पासवर्ड के लिए हमसे पूछेगा, मेरा जो है पहले से लॉगिन है इसलिए मैं पासवर्ड यहाँ कॉपी करके लाया हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। आई एग्री पे टिक करा मैंने और लॉगिन इनकरेक्ट बता रहा है दोस्तों, फॉरगेट पासवर्ड कर दूंगा मैं। और यहाँ से गेट वेरिफिकेशन कोड पे जाएगा, वेरिफिकेशन कोड आ चुका है यहाँ, देखिए मेरे जो है फिर से पासवर्ड सेट करने के लिए कह रहा है मुझे, पासवर्ड मैंने नया वाला जो सेट कर चुका हूँ यहाँ,
देखिए डन हो चुका है। देखिए दोस्तों यहाँ की जगह ऐड करने के लिए कह रहा है नो डिवाइस, अभी यहाँ की जगह नो डिवाइस बता रहा है। जैसे ही हम ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो हमसे जो लोकेशन के लिए कहेगा और कंटिन्यू करने को कहेगा। देखिए मेरे कैमरे का जो मेरे मोबाइल का सॉरी नेट बंद है और मैंने हॉटस्पॉट से जो है मेरे मोबाइल को कनेक्ट कर चुका हूँ। देखिए सबसे नीचे लिखा है स्मार्ट कैमरा, इस पर मैं क्लिक करूँगा और मेक श्योर द इंडिकेटर इज फ्लैशिंग क्विकली। तो ब्लू लाइट मेरे कैमरे में जल रहा है इसलिए मैं यहाँ क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। और देखिए 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे के नेटवर्क को जो है सपोर्ट करता है ये, और मेरा अभी वाईफाई जो है 5.0 गीगाहर्ट्ज़ पे, इसलिए मैं इसको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए 2.4 अगर हमने 5 गीगाहर्ट्ज़ पे वाईफाई को हमारे सेलेक्ट कर रखा है या मोबाइल से हम कैमरे को ऑनलाइन कर रहे हैं, और मोबाइल से जब हम 5 गीगाहर्ट्ज़ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ये कनेक्ट होता नहीं है। इसलिए हमें मोबाइल को हॉटस्पॉट में जाके जिस मोबाइल से या वाईफाई से हम कनेक्ट कर रहे हैं हमारे कैमरे को, तो वो जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के नेटवर्क पे सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सेटिंग आप ज़रूर कर लें। अब देखिए मुझसे जैसे ये वाईफाई का सबसे पहले पासवर्ड पूछ रहा है यहाँ, क्योंकि इस ऐप में भी वाईफाई का हम जब पासवर्ड देंगे जब जाके कैमरा हमारा जो है कन्फिगर होगा उस वाईफाई के पासवर्ड के साथ। तो मैं यहाँ इसका पासवर्ड दे देता हूँ। देखिए दोस्तों ये प्रॉम्प्ट आ गया है मेरे सामने, मैं इसको कैमरे के सामने मुझे रखना पड़ेगा। और ये देखिए ये क्लिक साउंड भी हो गया और कैमरा कुछ कह भी रहा है। और जैसे ही मैं आई हेड पे क्लिक करूँगा आप सुन सकते हैं, नहीं हमें यहाँ से हटाना है। देखिए दोस्तों कैमरा ऑनलाइन हो चुका है, जो कि इंडिकेशन हमारे मोबाइल में आ चुका है और कैमरे की भी आवाज़ आ चुकी है। ये देखिए शो दिस मैसेज पे हम टिक कर देंगे ताकि हमें बार बार ना दें, कर देते हैं। और देखिए हमने कैमरे पे क्लिक किया तो कुछ ही देर में देखिए ये हमारे कैमरा जो है ऑनलाइन हो चुका है। देखिए दोस्तों ये रहा इसका लाइव व्यू, देखिए 2 मेगापिक्सल का ये कैमरा है और जो कि इसका इसकी क्वालिटी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। देखिए सिग्नल इसमें 98% आ रहा है। अब मैं अभी मैंने जो है अपने वाईफाई से इसको कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ, तो मैं वाईफाई पे से हटा के अपना मोबाइल का नेट ऑन कर लेता हूँ आपके सामने, वाईफाई को बंद कर देता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं ऑल इंडिया कहीं से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने मेरे मोबाइल का नेट जो है ऑन कर दिया और वाईफाई का बंद कर दिया। फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए रिट्राइविंग वीडियो स्ट्रीम। देखिए दोस्तों मेरे मोबाइल के नेट से जो है ये कैमरा चल रहा है, देखिए काफ़ी अच्छा इसका व्यू आ रहा है, आपको वाइड एंगल करके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों ये रहा अंदर का व्यू, आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ, फिर इसकी कुछ सेटिंग्स आपको बताऊँगा। देखिए दोस्तों ये रहा बाहर का व्यू, जो कि अभी 1:30 बज रही है तकरीबन। ये देखिए बाहर भी बहुत अच्छा व्यू दे रहा है कैमरा हमारा, 2 MP का कैमरा है 2 मेगापिक्सल का और जो है अच्छा व्यू है इसका। और दोस्तों व्यू तो बहुत अच्छा है, आइए कुछ बात कर लेते हैं इसके अपन सेटिंग्स के बारे में। देखिए यहीं से इस एंगल से यहाँ से सबसे ऊपर में राइट साइड में सबसे ऊपर कॉर्नर पे 3 डॉट हैं, यहाँ से देखिए प्लेबैक मैसेज एल्बम जो भी हम वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वो एल्बम में हमारी चली जाती है। मल्टी व्यू यहाँ से सेटिंग में जाएंगे, तो ये देखिए सबसे पहले सिक्योरिटी कैमरा, सिक्योरिटी कैमरा में कैमरे का नाम वगैरह और लोकेशन वगैरह सेट कर सकते हैं। वापस से आते हैं डिवाइस इन्फॉर्मेशन में, इसमें ये इन्फॉर्मेशन है टेप टू रन ऑटोमेशन, इसको छोड़िए अलेक्सा, और देखिए इसमें अमेजोन इको और गूगल होम का जो है थर्ड पार्टी सपोर्ट है। बेसिक फंक्शन सेटिंग में अपन जाके देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। देखिए स्टेटस इंडिकेटर, फ्लिप स्क्रीन, स्क्रीन को हम घुमा सकते हैं, टाइम वाटरमार्क और टॉक मोड पे यहाँ देखिए 1-way कम्युनिकेशन है तो इसको 2-way कम्युनिकेशन, यानी हम कैमरे के ज़रिए से हम बात भी कर सकते हैं, हमारी आवाज़ कैमरे के पास आएगी और कैमरे की आवाज़ जो है हमें आ सकती है, 2-way कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों नीचे देखिए IR नाइट विज़न ऑटो है, ऑटो रहने देंगे इसे, देखते हैं इसके अंदर ऑटो, इसको ऑफ भी कर सकते हैं, नाइट विज़न मोड जो है ऑफ हो जाएगा हमारा। और डिटेक्शन अलार्म सेटिंग, इसमें देखिए मोशन डिटेक्शन वगैरह जो है अलार्म बजेगा यहाँ की जगह जो भी कैमरे के सामने से मोशन डिटेक्ट करेगा, तो इसका शेड्यूल भी हम लोग सेट कर सकते हैं, नीचे दिया हुआ है ये वाला ऑप्शन, अभी इसको रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों देखिए क्लाउड स्टोरेज की भी इसमें काफ़ी इसमें फीचर है, उसको भी हमें परचेस करना पड़ेगा। ऑफलाइन नोटिफिकेशन को इनेबल कर सकते हैं, शेयर डिवाइस, ये जो ये वाला ऑप्शन है आपका शेयर डिवाइस नीचे थर्ड नंबर का, इस पर जाते हैं हम। देखिए हमारी डिवाइस को 10 लोगों को भी हम शेयर कर सकते हैं यहाँ से, कि हमारे साथ साथ हमारे मोबाइल के साथ साथ वो दूसरे लोग भी इसका जो है लाइव व्यू देख सकें, इसके लिए हम सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों देखिए डिवाइस अपडेट और ऐड टू होम स्क्रीन, नीचे से सेकंड लास्ट का जो ऑप्शन है ऐड टू होम स्क्रीन, होम स्क्रीन पे भी हम इसका शॉर्टकट को कर सकते हैं, ये देखिए गो कर देंगे तो ये हमारा जो है
होम स्क्रीन पे डायरेक्ट आ जाएगा। और ये देखिए रिमूव डिवाइस, डिवाइस अपडेट और रिमूव डिवाइस, यहाँ से हम डिवाइस को ऑफ भी कर सकते हैं। ये दोस्तों देखिए वापस बैक आते हैं और आपको दिखाते हैं इसके अंदर देखिए क्या क्या ऑप्शन है। ये सबसे ऊपर में लेफ्ट पे कॉर्नर पे आप इसमें अंदर जाएंगे तो आपकी प्रोफाइल फ़ोटो, निकनेम, टाइम जोन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके फिर नीचे आएंगे, ये नीचे आपको दिख रहा होम पे है, अभी हम सीन्स पे आएंगे सेंटर में, तो ये सीन्स में क्रिएट सीन्स वगैरह कर सकते हैं। मी पे आएंगे तो हमारी प्रोफाइल वगैरह में कुछ सेटिंग है ये हम देख लेते हैं। देखिए सेटिंग्स में जाएंगे सबसे ऊपर साइड से, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वही है, टाइम जोन वगैरह, अकाउंट एंड सिक्योरिटी में ये पैटर्न लॉक वगैरह सेट कर सकते हैं। सबसे ऊपर देखिए रीज़न, ईमेल आईडी, चेंज लॉगिन पासवर्ड और पैटर्न लॉक। पैटर्न लॉक को देखिए इस तरीके से हम सेट कर देंगे यहाँ की जगह, दो बार हमें कंफर्म करना पड़ेगा। तो ये देखिए पैटर्न लॉक हमारा लग गया है, उसको चेंज भी कर सकते हैं, चेंज पैटर्न लॉक, और यूज़र कोड ये है डिलीट अकाउंट, अकाउंट को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। फिर नीचे आइए डिवाइस अपडेट का ऑप्शन है थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे है टच टोन पैनल, इसको भी कर सकते हैं। ऐप नोटिफिकेशन अगला ऑप्शन, इसको ऑफ ही रहने देते हैं। नोटिफिकेशन टेम्परेचर यूनिट्स सेंटीग्रेड पे है, ठीक है, फ़ारेनहाइट को नहीं करना है हमें, सेंटीग्रेड पे करना है। लैंग्वेज ऑटोमेटिकली जो है इसकी इंग्लिश है, यहाँ से हटा भी सकते हैं। मोर फीचर्स में जाके देखते हैं तो ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता इसमें। फोटो एड डिस्कवर डिवाइस जो ऑटोमेटिकली ऑन है तो बाई डिफॉल्ट उसको ऑन ही रहने देते हैं। अबाउट में जाके देखते हैं, अबाउट में हमें रेटस, अबाउट जेब होम और अपलॉग लॉक्स, करेंट वर्जन, चेक फॉर अपडेट्स ये मिलता है अबाउट में। इसके नीचे फिर देखिए प्राइवेसी सेटिंग में भी जो मेंटेनेंस इंप्रूवमेंट वगैरह है इसमें, इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं और ज़्यादा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। माइक्रोफोन वगैरह, कैमरा वगैरह सेट कर सकते हैं परमिशन के लिए। नीचे देखिए प्राइवेसी पॉलिसी मैनेजमेंट, इसमें भी वही है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। नेटवर्क डायग्नोसिस, अगर हमारे नेटवर्क में कोई समस्या हो तो स्टार्ट डायग्नोसिस करके हम नेटवर्क की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी कैमरा हमारा अगर अच्छे से कनेक्ट नहीं हो रहा है या नेटवर्क की समस्या आ रही है तो देखिए इसको ऑन करेंगे तो डायग्नोसिस कंप्लीट है। यहाँ तो मेरा जो है मोडेम से नेट चल रहा है, इसका वाईफाई से मैंने कनेक्ट किया तो बहुत अच्छे से नेटवर्क कर रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्लियर कैसे कर सकता हूँ यहाँ से, अपने जो है डिवाइस को लॉग आउट भी कर सकता हूँ। और फिर देखिए अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट भी इसमें जो है उससे भी हम ऐड कर सकते हैं। नीचे का ऑप्शन देखिए क्या, होम मैनेजमेंट में होम में इसका नाम, लोकेशन वगैरह हम दे सकते हैं, लिविंग रूम या जहाँ भी हमें लगाना है उसके लिए ऐड कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ज्वाइन होम इसको छोड़िए आप। नीचे आइए देखिए मैसेज सेंटर, फीडबैक वगैरह, ये ज़्यादा कोई खास नहीं है, बस ये यही सब कुछ जो सेटिंग ऊपर दिखाई गई आपको वही खास है आपके लिए। शॉप के अंदर का व्यू है ये देखिए, जूम कर सकते हैं हम और देख सकते हैं आप कैमरे में, ये जूमिंग क्वालिटी है इसकी, पिक्चर क्वालिटी 2 MP के हिसाब से अच्छी है, आप शॉप पे अपनी लगा सकते हैं। देखिए इसमें 2-way talk मैंने ऑन कर दिया है, अब इसमें 2-way talk भी आसानी से हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्पीकर में इसमें दोस्तों कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहीं से हम वीडियो जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं हमारे मोबाइल में, और माइक से भी हम यहाँ से बात कर सकते हैं। और थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर का जो सबसे नीचे ऑप्शन है राइट में कॉर्नर पे, यहाँ से हम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहाँ से बना सकते हैं। सबसे सेकंड नंबर पे ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा ये वीडियो हमारी रिकॉर्ड हो रही है मोबाइल के अंदर, ये देखिए मैं ऑफ कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, ये रिकॉर्डिंग हमारे एल्बम में जाके सेव हो जाएगी ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, केबल के साथ आपको देख रहा है, इस कैमरे के साथ बॉक्स में आपको एडाप्टर नहीं मिलता है, सिर्फ केबल मिलती है, वो भी 1.5 मीटर की केबल है यानी 3 फिट की, और क्लियरिटी तो इसकी काफ़ी अच्छी है, आप अपनी शॉप पे लगा सकते हैं। इंडोर कैमरा है ये, अंदर लगा सकते हैं, और कैमरे को लगाने के लिए आपको नेट चाहिए कैमरे के पास भी, और मोबाइल में देखने के लिए तो डेफिनेटली नेट चाहिए ही चाहिए। और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और कोई अगर किसी चीज़ को आपको पूछना हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। और देखिए दोस्तों, मैं आगे भी इस कैमरे की और ज़ेब्रोनिक के, इसबिच के और ट्रूव्यू के कैमरे और जो भी नए कैमरे आ रहे हैं उनकी वीडियो बनाता रहूँगा, और इस पर आपको जो है मिलती रहेगी वीडियो। तो जो है बेल आइकन के बटन को भी आप जो है क्लिक कर दें ताकि आपको नए नए वीडियो के जो है आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।